आज हम आए हैं जिपो सर्कस। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइफ कास्ट पर। अगर आप यहां पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हम इस चैनल पर यूके लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई वीडियोस लाते रहते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल सिलेक्ट कीजिए ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए जैसे ही हम वीडियोस अपलोड करते हैं। और जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मित्रों, सबसे पहले मैं क्षमा चाहूंगा, वीडियो काफी देरी से आ रही है। हम कोशिश करेंगे वीडियो रेगुलर इंटरवल्स पर आपके लिए लाते रहें। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जिप्पो सर्कस की। ये सर्कस यहाँ पर आया हुआ है 3 दिनों के लिए। तो आज है फ्राइडे, फर्स्ट डे, फर्स्ट शो हम देखने जा रहे हैं। कल इसके 3 शोज होंगे, यानी सैटरडे को 3 शोज और संडे को 3 शोज। तो ये टूरिंग सर्कस है, तो यूके में कई जगह इनके शोज लगते रहेंगे। तो आप इनकी वेबसाइट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, तो आप इनके वेबसाइट पे जाके इनके फ्यूचर शोज के बारे में जानकारी पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सर्कस एक ऐसा परफॉर्मिंग आर्ट है जो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होता जा रहा है। तो इन सर्कस को जरूरत है आप और मेरे जैसे ऑडियंस की। दोस्तों, जिप्पो सर्कस न्यू सर्कस है। सर्कस जनरली 4 टाइप्स की होती है। एक होता है क्लासिक सर्कस, जहाँ पर ह्यूमन परफॉर्मेंसेस के साथ वाइल्ड एनिमल परफॉर्मेंसेस भी होते हैं। दूसरी टाइप होती है न्यू सर्कस, जहाँ पे एनिमल परफॉर्मेंसेस नहीं होते। तीसरा टाइप होता है एक थीम को लेकर, जिसे कहते हैं कंटेम्पररी सर्कस, जहाँ पर एक थीम के अकॉर्डिंग सारे एक्ट्स प्लान किए होते हैं। और चौथी टाइप की सर्कस होती है सर्कस थिएटर। जी हाँ दोस्तों, ये नया टाइप का थिएटर सर्कस है, जहाँ पर एक स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग सारे एक्ट्स प्लान किए जाते हैं। दोस्तों, जिप्पो सर्कस के ओनर है मार्टिन बर्टन, जिन्होंने 40 साल पहले इस सर्कस को शुरू किया था। जिप्पो सर्कस के रिंग मास्टर है नॉर्मन बैरेट। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मन बैरेट को क्वीन की तरफ से MBE अवार्ड दिया गया था। उनका कंट्रीब्यूशन काफी है आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट की फील्ड के अंदर, लेकिन उनकी उम्र की वजह से वो आज रेस्ट कर रहे हैं और उनकी जगह ले रहे हैं रिंग मास्टर पॉलो डोस सैंटोस। जी हाँ दोस्तों, ये छोटे से ब्राजीलियन रिंग मास्टर हैं जो आज रिंग मास्टर यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। हम आपके लिए उनका इंटरव्यू भी लेके आने वाले थे, लेकिन कोविड के चलते मैनेजमेंट ने मना कर दिया। तो मित्रों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कुछ झलकियां इन परफॉर्मेंसेस की, जैसे कि रिंग ऑफ स्टील, केनियन टम्बलर्स, एक लड़की है जो एक बॉटल के अंदर समा जाती है, और वीडियो के आखिर में आपको दिखाएंगे आप सभी का और मेरा फेवरेट मौत का कुआं। Outside.
तो मित्रों आपके लिए मेरा सवाल, आपने पिछली बार सर्कस कब देखी थी? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मैंने पिछली बार सर्कस देखी थी ऑलमोस्ट 4 साल पहले। जी हाँ दोस्तों, यूके में एक रशियन सर्कस मैंने देखी थी इसी जगह पर, क्योंकि ये है वैक्सम सर्कस साइट। तो मित्रों उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, आपके आसपास अगर कोई सर्कस आया है तो जाके उन्हें सपोर्ट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इन सर्कसेस को और इस डाइंग परफॉर्मिंग आर्ट को आपकी और मेरी ज़रूरत है, और इस पोस्ट पैंडेमिक ईरा में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन परफॉर्मिंग आर्ट्स को है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप और मैं इन्हें सपोर्ट करेंगे तभी हम हमारे फ्यूचर जनरेशन को इस सर्कस के बारे में बता पाएंगे। हम ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो मित्रों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।